हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आ गए हैं 2024 की TVS XL 100 कंफर्ट आईटेच, जिसका हमारे पास कूलमिंट ब्लू कलर अवेलेबल है। आज के वीडियो में करेंगे इसका फुल डिटेल्स में वॉक अराउंड, देखेंगे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और क्या रहने वाली है इसकी ऑन रोड प्राइसेस। अगर आप ये मोटरसाइकिल अपने लिए खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में बताएंगे क्या इसको लेने के फायदे हैं और क्या है इसके नुकसान। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप ये मोटरसाइकिल अपने घरेलू यूज के लिए खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाली है। साइड से देखने में तो ये मोटरसाइकिल छोटी सी और बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो आप इसे कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो आपको इधर से उधर सामान ले जाने में तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं मोटरसाइकिल को फ्रंट व्यू से। तो यहाँ पे ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पे मिल जाएगी आपको ब्लैक कलर की विंडशील्ड जो काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ पे TVS का स्टीकर। ये मोटरसाइकिल आती है हेलोजन हेडलाइट के साथ और ये रहे इसके चकोर से हेलोजन इंडिकेटर। इसमें आपको DRL भी मिल जाती है जिसकी विजिबिलिटी नाइट में तो बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। ये लगा हुआ मिलेगा आपको हॉर्न। फ्रंट सस्पेंशन इसमें मिल जाते हैं आपको टेलीस्कोपिक जो आते हैं स्प्रिंग टाइप हाइड्रोलिक, और यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर। फ्रंट फेंडर मिलता है इसमें आपको कूलमिंट ब्लू कलर का जो आता है मेटल का। यहाँ पे मिल जाएगी आपको रबर की पैडिंग। चलिए बात करेंगे इसकी फ्रंट टायर की। तो यहाँ पे आपको मिलता है TVS कंपनी का ही टायर जिसका साइज आता है 2.5x16 इंच का। ये मोटरसाइकिल आती है ट्यूब टायर के साथ क्योंकि इसमें मिल जाती है आपको क्रोम फिनिश की स्पोक अलॉय व्हील जो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। फ्रंट ब्रेक में मिलती है आपको ड्रम जो मिलती है 110 मिलीमीटर की। ये मोटरसाइकिल आती है SBT के साथ। देख लेंगे मोटरसाइकिल को साइड व्यू से। तो इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मिलेंगे आपको ट्रिपल टोन कलर के स्टिकर TVS के स्टिकर के साथ। इस पोर्शन में मिल जाएगा आपको XL 100 कंफर्ट का स्टिकर। इसमें ग्राफिक्स देख लो यार, जो टैंक से मिलेंगे आपको पीछे तक जो इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। ये मोटरसाइकिल OBD2 E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। ये रहा इसका टैंक का कैप। इसमें मिल जाता आपको 4 लीटर का टैंक। चलिए बात करेंगे इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 99.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke FI इंजन जो आता है एयर कूल्ड, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 4.3 bhp की 6000 rpm पर। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा यह 6.5 Nm का 3500 rpm पर। ये रहा इसका पेडल और ये रही इसमें किक। ये यहाँ से निकल के पीछे की तरफ इसमें मिलता है आपको लॉन्ग एग्जॉस्ट। इसमें लगी हुई मिलेगी आपको क्रोम फिनिश की हीट शील्ड। यहाँ पे मिल जाएगा आपको लेडीज फुटरेस्ट जो आपको दोनों साइड लगे हुए मिलेंगे। रियर सस्पेंशन मिलता है आपको स्विंग आर्म हाइड्रोलिक सस्पेंशन। बात करेंगे इसके रियर व्हील की। तो यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश में स्पोक अलॉय व्हील ही मिलता है। टायर इसमें मिलता है आपको TVS का ही जिसका साइज आएगा 2.5x16 इंच का। रियर टायर भी आपको ट्यूब टायर के साथ ही मिलता है। रियर ब्रेक में भी आपको 110 मिलीमीटर की ड्रम ब्रेक मिलती है। ये मोटरसाइकिल आती है SBT के साथ यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, और मोटरसाइकिल में ये CBS करके मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे इसकी सीट की। तो यहाँ पे आपको मिलती है सिंगल सीट ड्यूअल टोन कलर की स्टिचिंग के साथ आएगी जो बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसमें आप दो लोग ही कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। वैसे ये मोटरसाइकिल आपकी फैमिली पर्पस के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। कुशन आता है काफी ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का। ये रही इसकी स्टाइलिश बैक रेस्ट जो आपको पिलियन सवारी बैठाने में कंफर्ट फील कराएगी। ये साइड में लगा हुआ मिलेगा आपको हुक जिसमें आप सामान वगैरह टांग सकते हैं। रियर साइड में मिल जाएगी आपको यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग। टेल लाइट इसमें मिलती है आपको चकोर सी हेलोजन बल्ब के साथ। रियर फेंडर मिलेगा आपको मेटल का जो काफी ज्यादा मजबूत क्वालिटी का आता है। ये रही नंबर प्लेट लगाने की जगह। यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा आपको सेंटर स्टैंड और ये रहा इसका साइड स्टैंड। ये मोटरसाइकिल आती है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ। यहाँ पे इसका पेडल मिल जाएगा और ये इधर मिलेगा आपको लेडीज फुटरेस्ट और ये छोटा सा साड़ी गार्ड। यहाँ पे आपको लेग रूम में भी इसका काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टूल बॉक्स की जगह। चलिए बात करेंगे इसके हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे मिलती है आपको चम्स हैंडल बार जो आएगा सिल्वर कलर का। चलिए बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इंजन किल स्विच जो आएगा सेल्फ स्टार्ट के साथ। चलिए बात करेंगे इसकी दूसरी साइड की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच, हाई लो बीम स्विच, इंडिकेटर टर्न स्विच और नीचे हॉर्न। बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे मिलता है आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, ये रहा इसका RPM मीटर और ये रही रेंज और ये रहे इसके बेसिक से फीचर्स जो बहुत ही ज्यादा सिंपल दिखाई देता है। एक खास बात दोस्तों, इसमें आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप राइडिंग करते समय अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। बात कर लेंगे इसकी डायमेंशन की। व्हील बेस इसमें मिलता है आपको 1228 मिलीमीटर का। टैंक इसमें मिलता है आपको 4 लीटर का। वजन आता है इसका 28 किलो का। एक खास बात दोस्तों, इसमें आप 130 किलो तक वजन रख के ले जा सकते हैं। एक फीचर इसमें ये भी है, अगर आपकी मोटरसाइकिल 15 डिग्री के एंगल से नीचे झुक जाती है तो ये मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगी। माइलेज इसमें मिलता है आपको 70+ का। टॉप स्पीड ये मोटरसाइकिल जाती है 65 किलोमीटर पर आवर की। बात करेंगे इसकी प्राइसेस की। तो ये मोटरसाइकिल आती है
65,500 रुपए एक्स शोरूम, जो RTO इंश्योरेंस मिला के ऑन रोड बैठ जाएगी 78,000 रुपए के आसपास। अगर आप ये मोटरसाइकिल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है, जिसमें आप आसानी से सामान वगैरह ढो सकते हैं। अगर आपको कुछ सामान बाजार से लेके आना है तो वो भी इसमें आप आसानी से रख के ला सकते हैं। गाँव के यूज के लिए तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज्यादा बेहतर है, हालांकि इसमें आपको पावर और टॉर्क की वैल्यू थोड़ी कम मिल जाएगी। ज्यादातर इस मोटरसाइकिल को गांव में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये सामान लाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो नो डाउट आप इस मोटरसाइकिल को आंख बंद करके खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें मिल जाते हैं आपको इस हिसाब से बहुत ही ज्यादा फीचर्स। अगर आप ये मोटरसाइकिल को खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आपको आना पड़ेगा गोलजी TVS के शोरूम पे, जो कुंवरपुर गोलापार में स्थित है। वहां के मैनेजर है धर्मेंद्र कुमार जी। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। नीचे कमेंट में बताइएगा TVS वालों ने इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। और मैं आपका राइडर दोस्त नवीन लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राइड सेफ।